माई लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलॉजिकल। इन दिस सेशन वी बी गोइंग टू डिस्कस द क्वांट क्वेश्चंस दैट अपियर्ड इन स्नैप ऑफिशियल मॉक दैट हैपेंड टुडे। स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड यस, देर वर अ फ्यू क्वेश्चंस विच वर रॉन्ग इन द मॉक टेस्ट, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी इजी, फेयरली इजी, एक्सेप्ट अ फ्यू जो क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट थे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन द सॉल्यूशंस। अगर तुमने अटेम्प्ट नहीं किया है तो मेक श्योर टू अटेम्प्ट मॉक फर्स्ट एंड देन व्हाट द सॉल्यूशन, और व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, व्हेन यू आर वाचिंग अ क्वेश्चन, पॉज द वीडियो बिफोर द सॉल्यूशन, अटेम्प्ट इट, देन व्हाट द सॉल्यूशन, व्हिचएवर वे यू प्रेफर। फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्ट्स अ सर्टेन अमाउंट एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, अनदर अमाउंट एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हिज इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट आफ्टर 2 years वॉज ₹348 एंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट अमाउंट टू सेकेंड इज 4:5। तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द अमाउंट और फर्स्ट अमाउंट ही हैज इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, अनदर अमाउंट ही हैज इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड हिज इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट विच इंप्लाइज दैट हिज इंटरेस्ट इन टोटल दैट ही रिसीव्ड आफ्टर 2 years इज ₹348। ओके, सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग that the ratio of first amount to second amount is 4:5. 4:5 का ratio. So if first amount is, let us say, 400x, second amount will be 500x. और first amount पे interest कितना मिल रहा है? 6% का. 6% per annum. So if 400x is the amount, 400x is the amount, तो कितना interest मिल जाएगा? 4 × 6 = 24. अगर 100 rupees होता, 400 रुपीज होता, तो 24 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता, 400x और 24x हो जाएगा इंटरेस्ट पर ईयर। एंड इफ 500x इज द अमाउंट, द सेकंड अमाउंट, उस पर 7% इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम, तो 5 × 7 ₹35 होता 100 रुपीज पे, 500 रुपीज पे, ठीक है, 500 पे ₹35 होता, 500x है तो 35x हो जाएगा इन 1 year। सो टोटल इंटरेस्ट इन अ ईयर विल बी 59x, बट क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है दैट इज गिवन फॉर 2 years, सो 2 years में इंटरेस्ट हो जाएगा 59x इंटू 2, 118x, एंड दैट इज इक्वल टू ₹348, दैट इज इक्वल टू ₹348, 2 से तो जा रहा है, 2 से दिस विल बी 59, और सेकेंड अमाउंट हो जाएगा 174, सो x विल बी इक्वल टू 174 डिवाइडेड बाई 59, 174 डिवाइडेड बाई 59, विच इज स्लाइटली लेस देन 3, स्लाइटली लेस देन 3, बट इंटीजर तो आ नहीं रहा, और x की वैल्यू ये है, टोटल अमाउंट हमारा कितना होगा, 400x प्लस 500x, यानी कि 900x, तो 900 इंटू x, यानी 900 इंटू 174 बाई 59, अगेन सिंस 9 का मल्टीपल नहीं है 59, तो हमें वैल्यू जो मिलेगा वो इंटीजर तो नहीं मिलेगा, सो नो आंसर इज पॉसिबल, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, इंटीजर तो नहीं मिलेगा, दैट इज वाइज ऑप्शन डी आंसर आएगा, 2700, 2900 या 2600 आंसर हो ही नहीं सकता, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग 1 meter ब्रॉड बाउंड्री अराउंड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग पेरीमीटर ऑफ 340 meters एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। सो पेरीमीटर गिवन है हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट की, और बाउंड्री ब्रेथ भी गिवन है, दैट इज 1 meter। सो लेट अस से दिस इज अवर प्लॉट, लेंथ इज एल एंड ब्रेथ इज बी, सो टोटल जिस एरिया में गार्डनिंग होगा दिस विल बी दैट एरिया, इजंट इट सो? ठीक है, सो देर आर टू वेज इन विच यू कैन फाइंड आउट दिस एरिया, यहां पे की गार्डनिंग हो रहा है, वन वे इज दैट यू फाउंड आउट द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इंक्लूडिंग गार्डनिंग, इंक्लूडिंग द गार्डन, और एक्सक्लूड कर दो फिर जो हमारा इनसाइड एरिया है, सो दिस ब्रेथ, दिस इज इक्वल टू 1 meter, दिस इज इक्वल टू 1 meter, सो टोटल ब्रेथ क्या हो जाएगा, एक सेकंड, यहां पे बी क्यों लिख दिया है,
दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. ओके सो दिस विल बी बी प्लस टू, बी प्लस वन, दिस इज वन, दिस इज वन, सो बी प्लस टू एंड दिस टोटल लेंथ विल बी एल प्लस टू. सो एरिया ऑफ गार्डन, और जिस एरिया में गार्डनिंग हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू एल प्लस टू इन टू बी प्लस टू माइनस एल इन टू बी. सो दिस विल बी एल बी प्लस टू एल प्लस टू बी प्लस फोर माइनस एल बी. सो रिमेनिंग पार्ट विल बी टू टाइम्स एल प्लस बी प्लस फोर. दिस विल बी एरिया ऑफ द गार्डन एंड टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इज पेरीमीटर ओनली, पेरीमीटर ओनली. सो दिस विल बी टू इंटू एल प्लस बी प्लस फोर, और टू इंटू एल प्लस बी इज 340. सो एरिया ऑफ द गार्डन विल बी 344 मीटर स्क्वायर. ओके 344 मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट लग रही है रुपीज 10 पर स्क्वायर मीटर. सो टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट विल बी रुपीज 3440. दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन सी. इज दिस क्लियर? ठीक है, दिस इज वन अप्रोच. या फिर सेकेंड अप्रोच ये हो सकता है, दिस वॉज अवर लेंथ, दिस इज ब्रेथ. जब एरिया फाइंड आउट करोगे तो दीज आर फोर स्क्वायर ब्लॉक्स, और क्योंकि ब्रेथ कितनी है हमारी, ब्रेथ ऑफ गार्डन दैट इज वन मीटर, वन मीटर. सो दीज स्क्वायर ब्लॉक्स विल बी ऑफ एरिया वन मीटर स्क्वायर, वन इंटू वन, वन मीटर स्क्वायर के होंगे. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू वन, ब्रेथ वन है और लेंथ हमारी कितनी है एल. सो एरिया ऑफ दिस पोर्शन, इफ दिस इज ए वन, तो दिस पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा, दिस विल बी बी इंटू वन, बी आ जाएगा, बी इंटू वन, वन इंटू बी. एंड एरिया ऑफ दिस पोर्शन विल बी एल इंटू वन, एरिया ऑफ दिस पोर्शन विल अगेन बी बी इंटू वन, एंड एरिया ऑफ दिस पोर्शन विल बी बी इंटू वन. एल इंटू वन क्या हो जा रहा है, बार बार एल इंटू वन हो जाएगा. ठीक है, टोटल एरिया आ जाएगा हमारा टू टाइम्स एल प्लस बी प्लस फोर, और टू टाइम्स एल प्लस बी पेरीमीटर ओनली. सो दिस विल बी 340, टोटल एरिया आ जाएगा 340 प्लस 4, एंड हेंस ऑप्शन सी विल बी द आंसर. तो ऐसे भी सोच सकते हो, दोनों बातें एक ही है, जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:2. ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था, इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या ही आसान हो सकता है. सो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2. इफ 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स इक्वल. सो वी आर ओनली एडिंग वाटर, मिल्क तो जैसा है वैसा ही रहेगा. ठीक है, तो अगर हम रेशियो के प्रपोर्शन में सोचें तो इन टर्म्स ऑफ रेशियो वॉट शुड बी द अमाउंट दैट शुड बी एडेड सो दैट मिल्क एंड वाटर आर इक्वल. सो अगर हम वन यूनिट वाटर एड कर देंगे तो बोथ विल बी इक्वल टू 3:3, रेशियो विल बी इक्वल. सो वन यूनिट मस्ट बी इक्वल टू 4 लीटर्स. और क्वेश्चन ने पूछा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है, सो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 2 यूनिट्स, यानी डबल दैट ऑफ वन यूनिट. तो 2 × 4 इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 8 लीटर्स, ऑप्शन ए इज द आंसर. और अगर मिल्क के लिए पूछा होता तो मिल्क का इनिशियल क्वांटिटी इज 12 लीटर्स. ओके, तो बहुत ही आसान सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द पोल इन 6 सेकंड्स, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन. स्पीड इज गिवन 72 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. सो लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन 6 सेकेंड्स. स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड है, 18 किलोमीटर पर आवर 72 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 6. सो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 120 मीटर्स, ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है? अच्छा, आई विल पिन द लिंक और ऑल्सो इन द कमेंट आई विल मैंशन द प्ले लिस्ट, द स्नैप प्ले लिस्ट. तो तुम वहां से भी अगर तुमने अब तक सेशन नहीं देखे हैं तो सेशन चेकआउट कर सकते हो, जिस भी टॉपिक का सेशन तुमको देखना हो. ओके, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी आंसर की भी तुम्हें वहां पर डिटेल में मिल जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन पेपर आउट तो नहीं होता बट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन तुम्हें बेस्ट मिल जाएंगे, तो उनको चेकआउट कर लेना एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3y - 2x + 2 इज इक्वल टू 0. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बस तुम्हें पता होना चाहिए अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन का. इफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज ax + by + c इज इक्वल टू 0,
और हमें चाहिए पैरेलल लाइन इस इक्वेशन के। सो पैरेलल लाइन के केस में स्लोप इज सेम, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप इज सेम। इफ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज m2, तो m1 इज इक्वल टू m2 इफ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। सेकंड लाइन का इक्वेशन भी होगा ax plus by सम प्लस सम अदर कांस्टेंट c1 इज इक्वल टू 0, दिस विल बी द जनरल फॉर्म। या फिर कांस्टेंट्स में कोई और कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दोगे, kax plus kby plus c2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से किसी फॉर्म में इक्वेशन मेंशन हो सकता है, दीज विल बी पैरेलल लाइंस। और अगर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर जनरल इक्वेशन हमारी ax plus by plus c इज इक्वल टू 0, तो इन केस ऑफ परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, लेट अस से स्लोप है m3 एंड m4, सो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज m3 इनटू m4 दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज -1। और जुगाड़ के लिए ऐसे समझ लो कि x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी अदला बदली कर दो और एक माइनस साइन ऐड कर दो। सो ax + by गिवन है, bx - ay + सम कांस्टेंट c3 दैट इज इक्वल टू 0, this will be the equation of a perpendicular line. So in our case 3y minus 2x plus 2 is equal to 0 equation given hai. So x aur y ke slopes badal do, to y ka slope ho jayega minus 2x aur x ka slope ho jayega 3y. okay, ab chaho to yahan pe minus sign add kar do, yani abhi agar slope sirf tum coefficient change karoge to ye equation banega, but saath mein hame ek jagah minus sign bhi add karna hai, so chaho to yahan minus add kar do, to minus 2x minus 3y plus constant is equal to 0. और या फिर यहां प्लस ही रहने दो, फर्स्ट केस में कर दो प्लस 2x plus 3y plus constant is equal to 0, दोनों इक्वेशन हमारी एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन में माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा 2x plus 3y minus c is equal to 0, और c का प्लस या माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली c कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, अगर c पॉजिटिव वैल्यू होगा तो फिर ऐसा रहेगा, अदरवाइज c नेगेटिव होगा कोई फर्क नहीं उससे, बिकॉज c इज अ कॉन्स्टेंट टर्म विच कैन टेक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव और इवन जीरो वैल्यू, ठीक है। सो दोनों इक्वेशन एक ही बात कह रही है, लॉजिक समझ पा रहे हो, ठीक है। तो बस 2x plus 3y कहां पे मेंशन है इतना चेक कर लो, कहां पे फर्स्ट ऑप्शन में मेंशन है 2, एक सेकंड, गलत किया है कि 3y minus 2x था, यही ब्लंडर करने के लिए उन्होंने बार बार दिया है, ठीक है, गलत ये किया है कि 3y minus 2x मेंशन था, 2x minus 3y थोड़ी था, तो x और y का कोफिशिएंट चेंज करोगे तो 3 की जगह minus 2 आ जाएगा, सो minus 2y plus 3x, और क्योंकि मैंने कहा माइनस साइन एक जगह ऐड करना है सो प्लस की जगह माइनस कर दो, सो माइनस 2y माइनस 3x प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल 0, ये हो सकता है, या यू कैन से दैट माइनस 2y की जगह प्लस 2y कर दो, तो प्लस 2y प्लस 3x प्लस c इज इक्वल 0, बोथ इक्वेशंस आर वन इन द सेम, दोनों में से कोई भी इक्वेशन मैच आउट कर लो, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2y प्लस 3x, ऑप्शन बी इज मैचिंग, बाकी कोई तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। ओके और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हमें जनरल इक्वेशन देना था, कॉन्स्टेंट टर्म से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि हमारी लाइन जो परपेंडिकुलर है वो यहां पे होगी या यहां पे होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो कहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज ऑनली डिफरेंस, अदरवाइज ऑल सच लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर, वेयर द कॉन्स्टेंट टर्म इज एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज सेकेंड अप्रोच ये हो सकता है कि हम स्लोप निकाल लें इस इक्वेशन का, तो 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और स्लोप होता है y इज इक्वल टू mx plus c वेयर m इज द स्लोप, सो y का कोफिशिएंट 1 कर दो, दिस विल बी द स्लोप, सो y विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स x माइनस 2/3, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2/3 और हमें चाहिए परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, तो इफ द लाइन परपेंडिकुलर हैज स्लोप m2 तो m1 इनटू m2 इज -1, सो m2 विल बी इक्वल टू -1 अपॉन m1 एंड m1 इज 2/3 तो -1 अपॉन 2/3, सो दिस विल बी -3/2, सो इक्वेशन ऑफ द न्यू लाइन विल बी y इज इक्वल टू m2x plus c, सो y इक्वल टू -3x/2 plus c मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2y इज इक्वल टू -3x plus 2c एंड hence 2y plus 3x इज इक्वल टू 2c, दिस विल बी अवर इक्वेशन। बात वही है, बस करने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 49
and the first 17 terms is 289, then we have to find the sum of the first 20 terms. Agar first 7 terms ka sum is 49, first 17 terms ka sum is 289, then find sum of the first 20 terms. Very easy question. First 7 terms ka sum given hai 49. तो एवरेज क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स? एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज विल बी 49 डिवाइड बाय 7, एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स. और एवरेज लाई कहां करेगा? इफ टर्म्स आर a1 a2 a3 टिल a7, तो एवरेज टर्म हमारा कौन सा होगा? a4, जो मिडिल में लाई करेगा. दैट विल द एवरेज वैल्यू, बिकॉज एपी है ये, ठीक है. सो a4 विल बी इक्वल टू एवरेज एंड दैट विल बी इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7, यानी कि a4 इज इक्वल टू 7 आ गया. सिमिलरली फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम आ रहा है दैट इज 289, और 17 टर्म्स का एवरेज क्या आएगा भाई? अगर n टर्म्स है तो एवरेज क्या होगा? एवरेज इज n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 बाय 2 टर्म, n प्लस 1 बाय 2 टर्म, ठीक है. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, एवरेज इज ऑल्सो इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, t1 प्लस tn बाय 2, या फिर n प्लस 1 टर्म मिडिल टर्म. ओके, सो a4 आ रहा था जैसे यहां पे हमारा 1 प्लस 7 बाय 2 t4, ठीक है, या a4 हमने क्योंकि 4 टर्म मान लिया a4. सिमिलरली यहां पे हमारा कौन सा टर्म आएगा एवरेज? 17 प्लस 1 बाय 2 यानी कि a9, एंड दैट विल बी इक्वल टू 289 डिवाइड बाय 17, दैट इज इक्वल टू 17. और a4 हो जाएगा हमारा टर्म नंबर 4 हो जाएगा, या टर्म नंबर n विल बी a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d. सो a4 विल बी a प्लस 3d, a9 will be a plus 8d, a plus 3d is 7, a plus 8d is 17, difference बीच में कितना है? Difference है 5d का, तो 5d will be equal to 10, and hence d will be equal to 2, common difference 2 का आ गया, first term निकला गया यहां से, if d is equal to 2, a plus 3d is 7, so a will be equal to 7 minus 3d, so 7 minus 6, that is equal to 1, तो first term is 1, d is equal to 2, question पूछ रहा है, sum of first 20 terms क्या होगा? Sum of first 20 terms will be equal to 20 by 2 into a 2a plus 19d. So 10 into a is 1, so 2a is 2, 2 plus 38, and if 10 into 40, 400. So option a 400 will be the answer. But ye bahut lamba approach hai is question ko solve karne ka, bahut zyada lamba approach hai. Itne lambe approach ki koi zarurat hi nahi thi is question mein. Agar tumne observe kiya ho, first 7 terms ka sum hame given hai 49. क्या देख पा रहे हो? 49 इज 7 स्क्वायर. फर्स्ट 17 टर्म्स का गिवन है 289 सम, व्हिच इज 17 स्क्वायर. एंड इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, देन डेफिनेटली दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, क्योंकि फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम ही तो आता है एन स्क्वायर. तो फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का सम क्या आएगा? 20 स्क्वायर 400, खत्म काम. Isn't it so? Clear? 20 square will be the answer, 400. Next question. If 1/3 of 1/4 of a number is 15, then 3/4 of that number ki value kya hoga? 1/3 of 1/4 of a number, to number agar n hai, to n into 1 by 4 into 1 by 3, this is equal to 15. So n will be equal to 15 into 3 into 4. Aur question pooch raha hai, 3/10 of that number ki value kya hoga? So 3 by 10 into 15 into 3 into 4. So that will come out to be 54. Option C. Next question. Two trains start from the stations A and B and travel towards each other at 50 km per hour and 60 km per hour respectively. At the time of their meeting, the second train has traveled 120 km more than the first. So what will be the distance between A and B? A and B ke beech ka distance kya hoga? Speed of the first train is 50 km per hour. Speed of the second train is 60 km per hour. So in 1 hour, kitna difference hoga dono trains ke travel distance mein? First train will travel 50 km in 1 hour. Second train will travel 60 km in 1 hour. Do trains chali to same time hai. Whenever the trains start at the same time, if they are starting at the same time and then they meet at some point, so they always travel for the same time.
अगर स्टार्ट सेम टाइम पे किया है एंड दे आर मीटिंग एट सम पॉइंट और बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं लिया है तो दे आर ट्रैवलिंग फॉर द सेम टाइम, तो सेम टाइम के लिए ट्रैवल किया है, ठीक है, 1 आवर में डिफरेंस आता है 10 किलोमीटर का, बिकॉज फर्स्ट ट्रेन इज ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर पर आवर, सेकंड इज ट्रैवलिंग 60 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिफरेंस आया है 120 किलोमीटर का, यानी कि दे मस्ट हैव ट्रैवल फॉर 12 आवर्स, 12 आवर्स के लिए ट्रैवल किया होगा, और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सिंस ट्रेन आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड हमारा कितना है 110 किलोमीटर पर आवर, और ट्रैवल टाइम आ गया है 120 by 10, यानी कि 12 आवर्स, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू 110, दैट इज द स्पीड मल्टीप्लाइड बाई 12, 1320 किलोमीटर, ऑप्शन सी, ओके, क्लियर। व्हेन द ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड इज स्पीड्स आर एडेड, एंड व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन स्पीड्स आर सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज, इफ ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क। ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी, 40% इज 2/5, तो ए इज 2/5 लेस एफिशिएंट, सो दैट इंप्लाइज अगर हम बी की एफिशिएंसी ले लें 5, तो ए इज 2/5 लेस एफिशिएंट, यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी 2 कम होगी, ए की एफिशिएंसी विल बी 3, एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 50 डेज, तो डेज लग रहे हैं उनको 50, एफिशिएंसी है 3/5, तो वर्क हमारा हो जाएगा टाइम इंटू एफिशिएंसी, यानी 50 × 3+5, दिस इज अवर टोटल वर्क, बट क्वेश्चन कह रहा है 60% वर्क कंप्लीट करना है और ए को अकेले कंप्लीट करना है, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन विल बी वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क इज 50 × 3+5, 50 × 8, और डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, ऑल्सो हमें करना है 60% वर्क, टोटल वर्क नहीं करना है, तो मल्टीप्लाई द वर्क बाई 3/5, मल्टीप्लाई द वर्क बाई 3/5, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 50 कैंसिल आउट किया, 10 × 8, 80 डेज विल बी द टाइम टेकन बाई ए, 80 डेज, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी डी ई एंड एफ आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई माइनस सी, सो इफ ए बी सी डी ई एफ आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो ई माइनस सी का डिफरेंस क्या होगा, सो ई माइनस सी के बीच में कितने टर्म्स है, एक टर्म और है, तो टोटल डिफरेंस विल बी 2 times द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी मान लिया बिकॉज स्मॉल डी इज अ टर्म, तो 2 times कैपिटल डी विल बी द डिफरेंस बिटवीन ई एंड सी, ई माइनस सी इज 2 times कैपिटल डी, सो दैट विल बी इक्वल टू, इफ यू टेक सी माइनस ए तो दैट विल ऑल्सो इक्वल टू सी माइनस ए, और इफ यू टेक एफ माइनस डी, और एनी 2 terms जिनके बीच का गैप 2 terms का हो, ठीक है, जिनके बीच का गैप 2 terms का हो या 2 common, 2 times द कॉमन डिफरेंस हो, तो उनके इक्वल होगा, बट वैसा कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, तो सेकंड वे इज कि ई माइनस सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2 times डी, यानी 2 times ई माइनस डी, और 2 times सी माइनस बी, और 2 times बी माइनस ए, विच एवर वैल्यू इज गिवन, सो 2 times बी माइनस ए इज गिवन, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ओके। नेक्स्ट, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 liters वाटर पर हेड पर डे, इट हैज अ टैंक विच इज 20 meters लॉन्ग, 15 meters ब्रॉड एंड 6 meters हाई, फॉर हाउ मेनी डेज द वॉटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट, कितने दिनों तक पानी चलेगा इस टैंक का, सो द अप्रोच इज, सबसे पहली बात जो पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि 1 m³ इज इक्वल टू 1000 liters इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉटर, ठीक है, और फॉर एनी लिक्विड 1 m³ इज इक्वल टू 1000 liters, दैट वी शुड नो, बिकॉज वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में निकलेगा और हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है लीटर्स में, इन्फॉर्मेशन लीटर्स में गिवन है, विच इज 1 m³ इज इक्वल टू 1 kL। सेकेंड थिंग इज 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml, सो ये दोनों बातें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में सेंटीमीटर क्यूब का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो टैंक का कैपेसिटी कितना है, वॉल्यूम कितना है टैंक का, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 20 × 15 × 6, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस मच मीटर क्यूब, और 1 m³ इज इक्वल टू 1000 liters, टू मल्टीप्लाई दिस बाई 1000 टू गेट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, दिस इज टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, और कंजम्पशन कितना है 150 liters पर हेड पर डे, और टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 4000 persons है,
तो कंजम्पशन पर डे इज 4000 × 150, सो नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे यहां से, नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लास्ट विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाई पर डे कंजम्पशन, 4000 से जाएगा 4 टाइम्स, देन 0 से गया 0, 15 से गया 15, 12 बाई 4 इज इक्वल टू 3 डेज, 3 डेज विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर लेबल द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द कॉस्ट प्राइस. लेबलिंग क्या है, 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो सीपी इज 100, तो लेबल्ड प्राइस और मार्क प्राइस विल बी 30% अबव, सो 100 प्लस 30 130 हो जाएगा. देन ही सोल्ड द आर्टिकल बाय ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द लेबल्ड प्राइस. डिस्काउंट दिया है 10% यानी 1/10 का, तो 13 का डिस्काउंट दिया होगा, 130 में 13, बिकॉज 13 इज विल बी 10%, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 117. 100 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 117, प्रॉफिट हुआ 17 का, परसेंटेज प्रॉफिट इज 17%, एक्चुअल प्रॉफिट विल बी 17%, नन ऑफ दिस ऑप्शन आएगा. ओके, नन ऑफ दिस ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पी टुवर्ड्स क्यू विच इज 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम पी एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर. After 20 minutes, another train starts from Q towards P at a speed of 90 km per hour. If the trains meet at M, so what will be the distance between P and M? P और M के बीच का distance क्या होगा? पहले इस question को थोड़ा सा conventionally करेंगे, उसके बाद में फिर और smart approach समझेंगे इस question का, जिससे और भी easily हो जाएगा. Okay. So this is P, this is Q. First train starts from P and distance is total 120 km. टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर. फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट करती है पी से टुवर्ड्स क्यू एंड स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आर, बट सेकेंड ट्रेन इज नॉट स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, सेकेंड ट्रेन इज स्टार्टिंग आफ्टर 20 मिनट्स, तो फर्स्ट ट्रेन बेचारी अकेले चलते रहती है फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स. फर्स्ट 20 मिनट्स द फर्स्ट ट्रेन इज द ओनली ट्रेन दैट इज रनिंग, ठीक है. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 20 मिनट्स इज 1/3 आवर्स, तो 45 × 1/3 15 किलोमीटर ट्रेवल करेगी. सो नाउ द डिस्टेंस रिमेनिंग बिटवीन टू ट्रेन इज 105 किलोमीटर, और अब जब डिस्टेंस बची है 105 किलोमीटर, फर्स्ट ट्रेन इज एट दिस पॉइंट ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आर एंड सेकेंड ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम क्यू एट द स्पीड 90 किलोमीटर पर आर, एंड सिंस बोथ द ट्रेन आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रेटिंग स्पीड कितना हो जाएगा, 45 प्लस 90 135 किलोमीटर पर आर. टाइम टेकन क्या होगा, वेन दे विल बी मीटिंग एट अ पॉइंट एम, व्हाट विल द टाइम टेकन, और टाइम टेकन हम इस पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इस पॉइंट के बाद में दो ट्रेनें सेम टाइम ट्रेवल कर रही हैं, तो टाइम टेकन विल बी द टोटल डिस्टेंस रिमेनिंग 105 किलोमीटर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ स्पीड व्हिच इज 135 किलोमीटर पर आर, तो 105 बाय 135 किलोमीटर पर आर, सो 105 बाय 135 15 से जाएगा 7/9, 7/9 आवर विल बी द टाइम. And we need to find out the distance between P and M. So distance हमें चाहिए between P and M, the meeting point, the total distance. This distance we already know, this is 15 kilometers. So remaining distance निकाल ली हमें. Time पता है, speed पता है, निकल आएगी distance. This will be equal to time is 7/9, speed is 45. 7/9 × 45 is 35 kilometers. So total distance will be 15 plus 35 and hence 50 kilometers. ठीक है, options जो given थे इस question में mock में absolutely wrong थे. मीटर्स में गिवन है, वहां पे दिया है इन किलोमीटर, डज नॉट मेक सेंस, डिस्टेंस ओनली 50 किलोमीटर्स. क्या ये अप्रोच क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गई आम जिंदगी, अब मेंटोस जिंदगी की बात करते हैं. ठीक है, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्यों इतना सब तामझाम करेंगे, बेटर अप्रोच क्या होगा. ये हो गया पॉइंट पी, दिस इज अवर पॉइंट क्यू, and first train is traveling first for 20 minutes and in 20 minutes distance traveled is equal to 15 kilometers. Okay, then first train starts from this point, speed is 45, second train is starting from this point, speed is 90. Okay, and they are traveling for the same time, after this point they are traveling for the same time, isn't it so? So agar time same hai, if time is same,
देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जिसकी जितनी स्पीड वो उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसकी जितनी स्पीड वो उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो स्पीड का रेशियो क्या रहा है, स्पीड है 45:90, यानी स्पीड का रेशियो 1:2, तो डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो भी क्या होगा 1:2, यानी कि फर्स्ट ट्रेन विल ट्रेवल 1 यूनिट, सेकंड ट्रेन विल ट्रेवल 2 यूनिट्स। क्या ये क्लियर है, फर्स्ट ट्रेन विल ट्रेवल 1 यूनिट डिस्टेंस, सेकंड ट्रेन विल ट्रेवल 2 यूनिट्स डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 105, रिमेनिंग जो बचा है, रिमेनिंग डिस्टेंस इज 105 किलोमीटर। सवाल खत्म। सो 3 यूनिट्स टोटल डिस्टेंस है हमारा, और फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल किया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बाई 3 यूनिट विल बी द डिस्टेंस। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1+2, 3 यूनिट्स की वैल्यू आ गई हमारी 105 किलोमीटर। सो 1 यूनिट विल बी 35 किलोमीटर, सो दिस डिस्टेंस विल बी 35 किलोमीटर, 35+15, आंसर विल बी, ऑप्शंस में तो है ही नहीं, आंसर विल बी 50 किलोमीटर। क्लियर है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट सी लीव्स द वर्क एक्स डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड बी वर्क्स फॉर एक्स डेज, इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन वाई डेज फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ वाई। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन के ऑप्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिकॉज ए बी और सी बेचारे अगर अकेले भी काम कर रहे हैं तो 12 डेज में कर ले रहे हैं, 10 डेज में कर ले रहे हैं, 15 डेज में कर ले रहे हैं, जो सबसे स्लो भी काम कर रहा है, जो सबसे स्लो भी बेचारा सी काम कर रहा है, सी इज ऑल्सो कंप्लीटिंग द वर्क इन 15 डेज व्हेन ही इज द स्लोएस्ट वर्कर, व्हेन ही इज द स्लोएस्ट वर्कर। तो व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर, इवन इफ बी एंड सी आर वर्किंग फॉर ओनली 1 डेज, स्टिल टोटल टाइम टेकन विल बी लेस देन 15 डेज फॉर श्योर, और कोई भी ऑप्शन नहीं है लेस देन 15 डेज, या सारे ऑप्शन गलत थे इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, बट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, अप्रोच क्या होगा, क्वेश्चन इज गुड, क्वेश्चन अच्छा है। सो ए बी एंड सी आर कंप्लीटिंग देयर वर्क इन 12 डेज, 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, सो वी कैन टेक एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 60, सो वर्क इज इक्वल टू 60, टाइम की वैल्यूज है 12, 10 एंड 15, तो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 60/12, 5 यूनिट्स ए की एफिशिएंसी, 6 यूनिट्स बी की एफिशिएंसी और 4 यूनिट्स सी की एफिशिएंसी। देन क्वेश्चन कह रहा है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए बेचारा पूरे दिन काम करता है, टोटल नंबर ऑफ डेज वाई है, ठीक है, एंड देन सी लीव्स द वर्क एक्स डेज बिफोर द कंप्लीशन, तो सी इज नॉट वर्किंग फॉर एक्स डेज, यानी कि सी कितने दिन वर्क कर रहा है, सी इज वर्किंग फॉर वाई माइनस एक्स डेज, ऑल्सो बी वर्क्स फॉर एक्स डेज, सो बी इज वर्किंग फॉर ओनली एक्स डेज, B is working for only x days. Total work is 60. So A कितना total work करेगा? A की efficiency 5 है. Work कर रहा है पूरे y days, तो 5 by work करेगा ये. B will be working for x days. Efficiency is 6, तो 6x work करेगा B. अब C के work को निकालने के दो तरीके हैं. या तो तुम y minus x days का work निकाल लो, और या x days का work add कर दो extra total work में. दोनों तरह से किसी भी तरह से जिसमें तुम कंफर्टेबल हो. ठीक है, तो अगर हम पहले तरीके से करते हैं तो C का एफिशिएंसी है 4, ही इज वर्किंग फॉर y माइनस x डेज, तो प्लस 4 इनटू y माइनस x, दिस विल बी टोटल 60, बिकॉज अननोन है यहां पे, तो डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं होगा, हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपरली इक्वेशन बना के, तो दिस विल बी आवर इक्वेशन. ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी 9y + 2x इज इक्वल टू 60. ऑल्सो सिंस y इज लार्जर, भाई y x से बड़ा होगा, y x से बड़ा होगा, ये बात भी क्लियर है, isn't it so? तो y should be greater than x, तो जो भी हमारे सॉल्यूशन निकलेंगे उसमें y should be greater than x, that is also there. सॉल्व करते हैं, दिस इज सिंपल लीनियर इक्वेशन, y इज greater than x. पहला सॉल्यूशन कब मिलेगा, बिकॉज 9 का मल्टीपल तो है नहीं 60, 2 का मल्टीपल है, सो वी कैन से दैट इफ y इज इक्वल टू 0, इफ y इज इक्वल टू 0 x विल बी इक्वल टू 30, 30 इंटू 0 इज 60. और अब जो अगले नंबर्स होंगे हमारे, y की वैल्यू डिपेंड करेगी x के कोफिशिएंट पे, और x की वैल्यू डिपेंड करेगी y के कोफिशिएंट पे. तो ऑलरेडी 0 एंड 30 इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, तो y की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो x की वैल्यू डिक्रीज होगी, y की वैल्यू हम बढ़ाएंगे x की वैल्यू डिक्रीज करेगी, कितने से डिक्रीज करेगी, 9 से डिक्रीज करेगी. नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 30-9, 21, और x की वैल्यू आ जाएगी 0+2, दैट इज 2. अगेन नेक्स्ट वैल्यू विल बी 21-9, 12, दिस विल बी 2+2, 4. नेक्स्ट वैल्यू विल बी 12-9, दैट इज 3,
सॉरी 4+2 6। अब जाके हमारा वाई ग्रेटर देन एक्स आया है फाइनली, तो दिस विल बी अवर आंसर। इसके अलावा अब इससे नेक्स्ट वैल्यू पे जाओगे तो 3 -9 विल बी -6, नेगेटिव आ जाएगा, डेज नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, तो 6 and 3 विल बी द आंसर, यानी कि वाई विल बी इक्वल टू 6, एक्स विल बी इक्वल टू 3। क्वेश्चन वाई की वैल्यू पूछा है तो आंसर विल बी 6 days। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास 27 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। अगेन इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ऑप्शन बिल्कुल गलत दिए हुए। तो इन अ क्लास 27 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 36 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड 13 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स। 27 हॉकी प्ले करते हैं, 36 क्रिकेट प्ले करते हैं एंड 13 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स। इफ 13 आर प्लेइंग बोथ द गेम्स तो ओनली हॉकी खेलने वाले कितने हो गए, 27 - 13 यानी 14 हो जाएंगे। ओनली क्रिकेट खेलने वाले 36 - 13 23 हो जाएंगे। क्वेश्चन इज ऑल्सो सेइंग इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नन ऑफ द गेम्स इज 1 less than 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स दैट प्ले हॉकी, तो 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स दैट प्ले हॉकी, हॉकी खेलने वाले 27 है, 27 by 3 - 1 यानी 9 by 9 - 1, 8 प्लेयर्स आर हु प्ले नन ऑफ द गेम्स। सो टोटल कितना हो गया हमारा, 8 + 14 + 13 + 23, तो 27 + 23 इज 50 + 8 58, सो आंसर विल बी 58। ठीक है, आप चाहो तो वेन डायग्राम बना के कर लो, बट उतना भी करने की ऐसा जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। स्ट्रेट अवे क्या करो, ऐड करो 27 और 36 को, बट हमें पता है जो प्लेयर्स दोनों गेम्स खेलते होंगे वो डबल काउंट हो गए, तो उनको एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, 13 प्लेयर्स प्ले बोथ द गेम्स, -13 कर दोगे, और इसमें हमारे अब प्लेयर्स आ गए हु आर प्लेइंग इधर हॉकी और क्रिकेट और बोथ, तो हॉकी यूनियन क्रिकेट ये नंबर में हमें मिल गया। एडिशनली वी ऑल्सो हैव टू ऐड दोज हु आर प्लेइंग नन ऑफ द गेम्स एंड दोज आर 1/3 ऑफ हॉकी प्लेयर्स -1, यानी कि 27 by 3 - 1, तो टोटल आंसर कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट दिस वे डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज द रिमाइंडर, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। ऑप्शंस दिए हैं 0, 1, 3, 5, यानी कि डेफिनेटली हमारा आंसर तो यहां पे आने वाला है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर नहीं होगा। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर नहीं होगा, और अगर ऐसा है तो फिर डायरेक्टली हम सीधे अप्रोच कर सकते हैं जुगाड़ को, दैट जुगाड़ इज कि हमें दिया है 31 रिमाइंडर आ रहा है व्हेन वी आर डिवाइडिंग बाय 143, तो स्टेट में 31 को 13 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर देख लो, डिवाइड 31 बाय 13 और रिमाइंडर देख लो, 31 13 से 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 5, और वही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर हमारे पास मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल होते तो आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट वो ऑप्शन में ही नहीं गिवन है, तो स्ट्रेट अवे तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज प्रॉपर तरीका क्या होगा, वी आर डिवाइडिंग बाय 143, रिमाइंडर इज 31, तो नंबर मस्ट बी इक्वल टू 143 का मल्टीपल प्लस 31, ये होगा हमारा नंबर। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे हम 13 से, तो 143 इटसेल्फ इज अ मल्टीपल ऑफ 13, तो ये तो पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद भी लॉजिक ये समझ आए कि ये तो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13 है, दिस इज डिविजिबल बाय 13, सो इवन इन दिस केस यू ओनली हैव टू चेक फॉर दिस नंबर, चेक फॉर 31। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर सेल्स 20 आर्टिकल्स एट ₹54 पर आर्टिकल आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट, और इवन आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ही इज गेनिंग 50% प्रॉफिट, सो इफ द डिस्काउंट इज नॉट गिवन देन हाउ मच विल बी द प्रॉफिट, ही इज गिविंग 10% प्रॉफिट, 10% डिस्काउंट, सॉरी 10% डिस्काउंट ही इज गिविंग एंड ही इज स्टिल गेनिंग 50%, सो 10% डिस्काउंट मींस 1/10 का डिस्काउंट, 1/10 का डिस्काउंट ही इज गिविंग। ठीक है, 1/10 का डिस्काउंट ही इज गिविंग, तो इफ टोटल मार्क प्राइस इज 10 यूनिट्स ही इज गिविंग डिस्काउंट ऑफ 1 यूनिट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 9 यूनिट्स एंड ही इज obtaining 50% profit, यानी कि this 9 unit is equal to 150% of cost price. So if 9 unit is 150%, 10 unit यानी कि mark price कितना होगा? That will be 10/9 × 150%. 3 से जाएगा, 3 बचेगा, 500/3% of cost price. और 500/3 is 166.66% of cost price. प्रॉफिट विल बी 66.66%, ऑप्शन सी। वैसे तो ऑप्शन इतने इजी दिए थे कि कुछ भी और करने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज 6 times मोर एफिशिएंट देन बी एंड बी टेक्स 32 days टू कंप्लीट अ टास्क, देन फाइंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द होल वर्क बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर।
ए इज सिक्स टाइम्स मोर एफिशिएंट, यानी कि अगर बी का एफिशिएंसी इज वन, ए का एफिशिएंसी विल बी वन प्लस सिक्स, यानी कि सेवन यूनिट्स, एंड बी इज टेकिंग 32 डेज, तो वर्क विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी इनटू टोटल टाइम टेकन बाय बी, 1 × 32, एंड दे टुगेदर आर कंप्लीटिंग द वर्क, ए एंड बी टुगेदर, ए की एफिशिएंसी 7 है, बी की है 1, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू टोटल वर्क विच इज 1 × 32 डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी विच इज 7 × 7 + 1, 32/8, यानी कि 4 डेज लगेंगे. इन 4 डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, ऑप्शन बी. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 ए बी सी डी ई एफ एंड 65 दे आर फॉर्मिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई. 2 ए बी सी डी ई एफ एंड 65 दे आर फॉर्मिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 1, और बीच में 6 टर्म्स प्लस 1, तो टोटल 8 टर्म्स हैं, टोटल 8 टर्म्स हैं, isn't it so? या फिर ये कह सकते हैं कि दीज 6 आर अरिथमेटिक प्रो मींस एम्स, 6 एम्स हैं, और अगर 6 एम्स हैं, ये कॉन्सेप्ट पता है, तो डायरेक्टली हमें पता है कि 65 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 अरिथमेटिक मींस है, तो 2 प्लस 7 टाइम्स डी, दैट इज इक्वल टू 65. अदरवाइज डायरेक्टली देख लो कि नंबर्स हमारे सारे के सारे एपी में है, तो टोटल टर्म्स कितने हैं, 8 है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज एट टर्म, तो डिफरेंस इज ऑफ 7 टर्म्स, तो 2 प्लस 7 डी इज इक्वल टू 65, तो यहां से हमारा डी विल बी इक्वल टू 63/7, यानी कि डी विल बी इक्वल टू 9, कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू 9, बेसिकली कैपिटल डी कर दो, बिकॉज यहां पे भी हमें स्मॉल डी टर्म गिवन है कंफ्यूज करने के लिए. कैपिटल डी विल बी इक्वल टू 9, और फर्स्ट टर्म हमारा 2 है. क्वेश्चन पूछा है ई की वैल्यू क्या होगी, तो ई क्या है, ई इज अवर 6th टर्म, टर्म नंबर 6, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 5 टाइम्स डी, सो 2 प्लस 45 व्हिच इज इक्वल टू 47, ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20% मोर देन द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर. अगेन इन दिस क्वेश्चन इट शुड हैव बीन मेंशनड दैट व्हाट विल बी एरिया ऑफ द सर्कल अप्रोक्सीमेटली. अप्रोक्सीमेट शुड बी गिवन, बिकॉज एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा तुम्हारा, बिकॉज पाई आ रहा है साथ में, कैसे पॉसिबल एग्जैक्ट आंसर आना. अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा यहाँ पे कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20% मोर देन द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. 20% इज 1/5, यानी कि इफ 5 यूनिट्स इज द हाइट, 6 यूनिट्स विल बी द रेडियस. ओके, 5 यूनिट्स अगर हाइट है तो 6 यूनिट्स हमारी रेडियस हो जाएगी, सो रेडियस विल बी इक्वल टू 6/5 टाइम्स, बिकॉज 5 से 1 यूनिट ज्यादा है, 6/5 हो जाएगी, 6/5 टाइम्स द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. अगर हाइट इज एच, तो 6/5 टाइम्स एच विल बी द रेडियस. बेस ऑफ ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड सर्कल आर इक्वल, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 1/2 टाइम्स बेस इंटू हाइट, 1/2 × 36 × h, और एरिया ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 × r², और r इज 6/5 h, तो 6/5 h का होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 1/2 × 36 × h इज इक्वल 22/7 × 6/5 का होल स्क्वायर, 36/25 × h², 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, और h से h की एक पावर चली जाएगी, सो रिमेनिंग विल बी 25 h विल बी इक्वल टू 25 × 7/2 × 22, और 25 × 7 इज 175/44, 175/44, दिस विल बी अप्रॉक्सिमेटली फोर आ जाएगा, और अप्रॉक्सिमेटली फोर आ जाएगा, हमें निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल, बट एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, ट्रायंगल का एरिया निकालना ज्यादा आसान है, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, वही तो सर्कल का एरिया भी होगा, तो 1/2 × 36 × h = 4, सो 36 × 2 आंसर विल बी 72 cm², बट दिस इज एन अप्रॉक्सिमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे हमारा अप्रॉक्सिमेटली फोर वैल्यू आ रहा था. क्लियर है? क्वेश्चन में कई बार ऐसा एग्जाम में भी हो सकता है कि मॉक में ऐसा हुआ है, ये तो हुआ ही है, बट एग्जाम में भी हो सकता है कि तुम्हारा अप्रॉक्सिमेट आंसर आ रहा हो किसी क्वेश्चन में और मेंशन नहीं हो. कई बार ऐसा मोमेंट्स में कर देते हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है, तुमने सॉल्व किया है, टाइम दिया है, तो अप्रॉक्सिमेट आंसर मार्क कर दो. ठीक है, अनलेस नन ऑफ दीज ऑप्शन गिवन है, नन ऑफ दीज गिवन है, तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है, अदरवाइज यू शुड मार्क द अप्रॉक्सिमेट आंसर. जैसे इस क्वेश्चन में है कि यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये क्वेश्चन कोई बाद में घटने वाला तो है नहीं, ठीक है, तो यू शुड मार्क 72 एज द आंसर, बिकॉज डेफिनेटली वही आंसर होगा और अप्रॉक्सिमेट के हिसाब से आएगा, और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, बिकॉज एग्जैक्ट आंसर आने ही नहीं वाला, पाई इज अ इरेशनल नंबर. ओके,
So these were all the questions, and I believe you understood that apart from some two or three moderate level questions, most of the questions were easy. हाँ, कहीं पे तुमने मेथड्स नहीं पता थे तुम्हें, तो वहां पे दिक्कत हुआ होगा, तो एक बार सारे के सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लो अगर अब तक नहीं किया है. किसी भी तरह से तुमने ज्योमेट्री, अलजेब्रा, किसी भी या नंबर सिस्टम के टॉपिक्स को अगर छोड़ के रखा हुआ है, तो उन टॉपिक्स को कवरअप करना इज योर फोर मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है किसी एक पूरे पूरे सेक्शन को छोड़ के चले जाओ. सारे टॉपिक्स का बेसिक तो तुम्हें आना ही चाहिए, तभी ईजी क्वेश्चन भी तुमसे अटेम्प्ट पाएंगे. अदरवाइज ईजी क्वेश्चन तुम स्किप कर दोगे और मुश्किल सवालों में जाके उलझ जाओगे, फंस जाओगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन. इसमें इतना ही रखते हैं, और तुम कमेंट में मेंशन करना कि तुम्हारा मॉक अगर तुमने अटेम्प्ट किया था तो कैसा हुआ, अगर नहीं अटेम्प्ट किया था तो क्वेश्चंस तुम्हें कैसे लगे. और एडिशनली यू कैन ऑल्सो चेक द कमेंट, आई विल लिंक द प्लेलिस्ट इन दैट एज वेल. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल दैट इज मैथोलॉजिकल, एंड कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @ADITYAKT. बाय बाय.